ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ननकाना साहिब में पाकिस्तानी बहुसंख्यक समुदाय द्वारा इस धार्मिक स्थल और सिख समाज पर की गई टिप्पणी पर हिमाचल बीजेपी ने विपक्ष को निशाने पर लिया है। बीजेपी प्रवक्ता राम कुमार ने इस आपत्तिजनक घटना का हवाला देते हुए सीएए के समर्थन में मोदी सरकार की नीति को सही बताया है। ननकाना साहिब में पाकिस्तानी बहुसंख्यक समुदाय द्वारा इस धार्मिक स्थल पर और सिख समाज पर की गई टिप्पणी पर हिमाचल बीजेपी ने विपक्ष को निशाने पर ले लिया है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता राम कुमार ने इस आपत्तिजनक घटना का हवाला देते हुए सीएए के समर्थन में मोदी सरकार की नीति को सही बताया है। उन्होंने देश के विपक्ष पर हमलावर होते हुए पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय का शोषण होने की बात इस घटना से सही सिद्ध होने की बात कही और सीएए का विरोध करने पर विपक्ष का चेहरा बेनकाब होने का भी दावा किया। सीए को लेकर जो अनेक प्रकार की भ्रांतियां दुष्प्रचार पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी समेत अनेक विपक्ष के लोग कर रहे हैं, उसके बारे में, इस कानून के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक एक जन जागरण अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज हिमाचल प्रदेश के होली में भी ये जन जागरण अभियान के तहत एक समर्थन रैली CAA के पक्ष में निकाली गई है, होली में द्वारा दी गई। और ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ समय पहले एक सिख परिवार की बेटी को पहले अगवा किया, फिर उसके साथ शादी जबरदस्ती शादी की और जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करवाया। तो ये सारे अत्याचार पाकिस्तान में हो रहे हैं और इसी के चलते जो लाखों की संख्या में शरणार्थी अल्पसंख्यक समुदाय के भारत में रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, उनको जब नागरिकता देने की बात केंद्र सरकार ने की तो भारत के विपक्षी दल जिसमें कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ममता समता वगैरह जिस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, ननकाना साहब में जो हुआ है उनको इसे सीख लेनी चाहिए। और हमारे पास ये बड़ा अवसर है कि पाकिस्तान को दुनिया में हमें एक्सपोज करना चाहिए, लेकिन बड़े दुख की बात है कि पाकिस्तान को दुनिया में एक्सपोज करने की बजाय भारत के विपक्षी दल भारत सरकार के इस फैसले का ही विरोध कर रहे हैं। विरोध ही नहीं कर रहे हैं अपितु लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनको वायलेंस के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ये अपने आप बहुत दुखदायी है। और ननकाना साहब में जो हुआ है ये भारत सरकार भी इसका कड़ा संज्ञान ले रही है और पार्टी स्तर पर भी हम इसके खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। और वैसे भी 550वां ये बाबा नानक जी का पर्व चल रहा है, तो एक तरफ दुनिया भर में, देश भर में बड़े बड़े उत्सव हम कर रहे हैं और इस वर्ष को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की कार्यवाही पाकिस्तान के वहां की गई है ये बहुत ही दुखदायी है और इसकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए।